नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना वायरस ने देश में हाहाकार मचाया हुआ है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और औसतन 3,000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण के 3,57,229 नए मामले सामने आए हैं और 3,449 मरीजों की मौत हुई है। देश में लगातार तीसरे दिन मामलों में कमी देखी गई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ से पार पहुंच गई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,02,82,833 हो गई है। इनमें से अब तक 2,22,408 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 34,47,133 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देकर पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,20,289 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,66,13,292 हो गई है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी का कहर बढ़ा हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में मामूली कमी आई है। महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या 50,000 से नीचे होने के साथ मौत के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का हाल बेहाल है। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 48,621 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं, वहीं 567 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से स्थिति में सुधार देखा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 18,043 नए मामलों की पुष्टि हुई है और सबसे ज़्यादा 448 मरीजों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 29,192 नए मामले सामने आए हैं। 288 लोगों ने इस वायरस से अपनी जान गंवा दी। फिलहाल देश की रिकवरी रेट की बात करें तो ये 81.77% है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में देश भर में 16,63,742 टेस्ट किए गए। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 29,33,00,000 कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां 3,24,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 5,77,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।